so cool. The game has just begun. तो फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला वीकेंड शानदार अंदाज में खत्म कर चुकी है और सभी हेटर्स की बोलती बंद कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने पांचवें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड करके ये साबित कर रही है दोस्तों कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के पांच दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानेंगे दोस्तों कि ये फिल्म दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई करने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है बड़े मियां छोटे मियां, जिसका फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग कॉमेडी और एक्शन से भरा हुआ है, जिसमें आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार का शानदार एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो वही दोस्तों टाइगर श्रॉफ ने पहली बार इस तरह की सिचुएशनल कॉमेडी भी की है। उनकी कॉमेडी दोस्तों फिल्म में काफी अच्छी है। दोस्तों बताते चले आपको कि अपने 2 घंटे 30 मिनट में इस फिल्म ने ऑडियंस के दिलों में जगह तो बनाई ही है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का जो एक्शन है वो भी हॉलीवुड लेवल को मैच करता है। हाँ दोस्तों इस फिल्म की थोड़ी कहानी कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में इस फिल्म को 3,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया। इन सभी भाषाओं में दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एडवांस में ही 5.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया था और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मैदान से क्लेश होने के बावजूद भी 36 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को एंजॉय कर रही थी, यही वजह है कि अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में एक डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन दोस्तों बावजूद इसके सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के स्टारडम की वजह से इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन भी 19 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का इंडिया से कलेक्शन 7.5 करोड़ रुपए का रहा। तो वही दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 8.5 करोड़ रुपए कमाए, तो वही दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 21 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। इस तरह से दोस्तों यह फिल्म 3 दिनों में तो जहां 76 करोड़ रुपए की कमाई नेवर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी, लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि कल अपने पहले संडे इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है। कल इस फिल्म के अपने चौथे दिन के जो कलेक्शंस थे वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां एक बार फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए नजर आए और इस फिल्म ने कमाए हैं 10 करोड़ रुपए। तो वही दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कल अपने चौथे दिन 24 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का 4 ही दिनों का जो इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा। और दोस्तों फाइनली सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म इस साल की दूसरी बिगेस्ट ओपनिंग लेने में कामयाब रही। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से तो काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिल्म क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को नेगेटिव रेटिंग्स दी गई है। लेकिन दोस्तों बावजूद इसके अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस बेहतरीन एक्शन फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस की भीड़ सिनेमाघरों में देखने को मिल रही है और इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म के लास्ट 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट तो सिर्फ बुक माई शो पर बिके, तो वहीं दोस्तों पेटीएम पर इस फिल्म के 40,000 से भी ज्यादा टिकट बुक होते हुए नजर आए। ये फिल्म दोस्तों आज अपने पांचवें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए आज के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंडे यानी कि वर्किंग डे होता है और वर्किंग डे को दोस्तों इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस टेस्ट भी होता है। ये फिल्म दोस्तों आज अपने इस बॉक्स ऑफिस टेस्ट में पास होती हुई नजर आ रही है और दोस्तों इस फिल्म की आज की जो एडवांस है वो 60 लाख रुपए की थी। मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म के आज भी 1,500 से ज्यादा टिकट बुक माई शो पर घंटे के हिसाब से सेल हो रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग की भी इस फिल्म की जो एडवांस है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। ये फिल्म दोस्तों आज अपने पांचवें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 4.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, जो कि एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इन
4.5 करोड़ के साथ ही दोस्तों इस फिल्म का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 46 करोड़ रुपए का हो चुका होगा, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज लगभग 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का टोटल 107 से 108 करोड़ रुपए का दुनिया भर में हो चुका होगा। दोस्तों बताते चले आपको कि अगर सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म विदेश में इसी तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड करती हुई नजर आए तो जल्द ही 200 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्या लगता है दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी ग्रोसर कौन सी फिल्म बनेगी सिंघम 2 और पुष्पा 2 में, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।